नमस्ते है जी। पिछले वीडियो में हमने फेक इट टिल यू मेक इट को गहराई से समझा था, और उसी में मैंने ये भी कहा था कि फेक इट कब तक करना है और कब रुक जाना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखना, मान लिया कि आपने एक अपना फाइनेंशियल गोल आपने बनाया था कि मैं 1 लाख रुपीज़ पर मंथ कमाना चाहता हूँ। आपने सब कुछ को समझ के, अपने काम को, अपने सराउंडिंग्स को, अपने माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल उचित गोल बनाया कि 1 लाख रुपये पर मंथ वेरी गुड है, ये अचीव किया जा सकता है। तो आपने अपना पहला गोल 1 लाख रुपये पर मंथ रखा और उसकी अकॉर्डिंग बिहेव करना शुरू कर दिया, फेक इट करना शुरू कर दिया, फेक बिहेव करना शुरू कर दिया, अपने आप को ऐसे बताना शुरू कर दिया कि 1 लाख रुपये कमाने वाला आदमी क्या क्या चीज़ करता है, क्या क्या चीज़ें कर सकता है, कैसा हो उसका रहन सहन होगा, कैसी जगहों पे वो बैठेगा, कैसी चीज़ों को वो खरीदेगा, ये सब चीज़ वो करना आपने शुरू कर दिया। और इस टाइम में आपने 1 लाख रुपीज़ पर मंथ अचीव भी कर लिया। 1 लाख रुपये पर मंथ कमाने से पहले आप हर किसी से यही कह रहे थे, जब भी ऐसी बात होती थी कि आप कितना कमा लेते हो, महीने कितना इनकम हो जाता है, तो आप क्या बोलते थे? 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। क्योंकि फेक इट में यही है कि आपको फेक इट करते रहना है, आपको ये बोलते रहना है, आपको ये समझाते रहना है, आपको ये अपने आप से दूसरों से कहीं भी अगर ये सवाल आता है कि कैसे हो रहा है, तो आपको वही बात कहना है जो आपको होना है। तो आपने 1 लाख रुपीज़ पर मंथ ऐसा करते करते अचीव कर लिया, लेकिन अब दिक्कत ये है क्योंकि ये अचीव हो चुका है तो अब आपको हल्ला करना बंद करना होगा, आपको बताना बंद करना होगा। क्योंकि पहले इसलिए बोला करते थे क्योंकि आपके मन को, आपकी कोशिकाओं को, आपके शरीर को, आपके आभा मंडल को, आपकी आत्मा को, आपके प्राणों को ये यकीन हो जाए कि ये चीज़ हो रही थी, इसलिए सारी दुनिया से अप्रूवल चाहिए था, सारी दुनिया के सामने बोल रहे थे। बट अब क्योंकि ये चीज़ हो चुकी है, क्योंकि ये चीज़ आप पा चुके हैं, क्योंकि ये चीज़ आप अपने जीवन में ला चुके हैं, अब आपको बचना होगा, अब आपको नहीं बताना है, अब क्या करना है? अब कोई लोग पूछेंगे कितना कमा लेता महीने का, तो क्या बोलना है? नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं कमाते, ऐसा बोलना है? नहीं, बस आप ये बोलिए परमात्मा की दया से बहुत अच्छा कमा लेते हैं, परमात्मा की दया से बहुत अच्छा आ जाता है, परमात्मा की दया से बहुत संतुष्टि भरा जीवन, कुछ भी अच्छा बोल दीजिए, लेकिन अपनी इनकम फिर अब मत बताइए। क्यों? क्योंकि अब आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपका मन हर चीज़ जानता है कि आप 1 लाख रुपये पर मंथ कमा रहे हो, और अब अगर आप बताना शुरू करते हो, अब आप बोलना शुरू करते हो, तो पहले क्या है, आप फेक इट कर रहे हो, लोगों को भी समझ में आता है कि भाई ये 1 लाख रुपये पर मंथ कमाने वाले की ज़िंदगी ऐसी तो नहीं होती, 1 लाख रुपये पर मंथ कमाने वाले के कपड़े ऐसे तो नहीं होते, 1 लाख रुपये पर मंथ कमाने वाले के मोबाइल ऐसे तो नहीं होते, उनका बिहेवियर ऐसा तो नहीं होता, उनका एटीट्यूड ऐसा तो नहीं होता। क्योंकि अब आप 1 लाख रुपये महीना कमा रहे हो तो वो आपकी आभा से झलकेगा, वो रही सी, वो चीज़ आपके आभा में झलकनी शुरू हो जाएगी, चाहे वो 1 लाख हो चाहे 10 लाख हो। तो अब लोगों को आप कुछ भी बोलोगे तो बुरा लग सकता है, उनकी ईगो को ऊपर जा सकता है, उनको ईगो को हर्ट कर सकता है, आप कुछ भी राय दोगे, कुछ भी बोलोगे, कुछ भी कहोगे तो हो सकता है उन्हें ये लग जाए कि आप उन्हें ताने दे रहे हो। पहले वो आप पर हंसा करते थे, उनके लिए ओके था, लेकिन अब आप कुछ ही बोलोगे तो उन्हें ये लगेगा कि आप उन पर हंस रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अच्छा कमा रहे हो और वो कम कमा रहे हैं, वो अच्छा नहीं कर पा रहे लाइफ में, तो अब उनके अंदर से नेगेटिविटी निकलने शुरू होगी जो आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि आप उतने प्रोटेक्टेड नहीं हो। अभी सिर्फ आपने कमाना सीखा है, अभी आपने पचाना नहीं सीखा है, इसलिए क्योंकि अब आपने पचाना नहीं सीखा है इसलिए आपको इस फेक इट को बंद कर देना है और संभल के रहना है, डर के रहना है, नहीं बोल रहा हूँ, अपनी चीज़ों को संभाल के छुपा के रखना है। एक समय आएगा जब आप 1 लाख रुपीज़ पर मंथ को पचाना सीख जाएंगे, फिर अगला गोल चालू होगा, 3 लाख रुपये पर मंथ, 5 लाख रुपीज़ पर मंथ, 10 लाख रुपीज़ पर मंथ, और तब आपको फेक इट को वैसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप फेक इट करना जान चुके हो। आपको केवल अपने भीतर रहना है, और वैसे भी 1 लाख रुपये हो, 10 लाख रुपये, दाल रोटी कितना ही खा लोगे, कितनी ही महंगी चीज़ों को ले लोगे, है ना,
लाइफस्टाइल तो वैसे ही रहनी है। हाँ, बड़ी कार, बड़ा घर, बड़ी वेकेशंस, ये सारी होंगी, लेकिन इन्हें सहजता से, सुंदरता से संभाल के बिना दिखावा किए करना। ये नहीं कि आप पैसा कमा रहे हैं, स्टेटस में डाल रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस में यहाँ घूम रहा हूँ, वहाँ घूम रहा हूँ, इसके साथ घूम रहा हूँ, उसके साथ घूम रहा हूँ, इंस्टाग्राम के स्टोरी में यहाँ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो खरीद रहा हूँ। नहीं, वो तब करना जब आपके पास नहीं है, जब हो जाए तो छुपाना शुरू कर दो। इसी ज़िंदगी का बहुत गहरा ज्ञान है जो बहुत महंगे चीज़ों को पे करने के बाद मिलता है। आप में से ज़्यादातर लोगों को ये अभी भी समझ में नहीं आएगा, आप में से ज़्यादातर लोग इसे अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि जैसे ही शक्तियाँ आती है उसे दिखावा करने का, उसको शो ऑफ करने का मन करता है, और आप तब भी ये गलती करोगे। पर मेरी बात आपको अभी नहीं, कुछ समय बाद जाके समझ में आएगी, क्योंकि कुछ चीज़ों को अनुभव ही करना पड़ता है। मेरे को अगर मैं कितना भी बोल दूँ यहाँ पे उंगली कटने से दर्द होता है, दर्द होता है, दर्द होता है, आप मानेंगे, स्वीकार भी करेंगे, लेकिन इसका अनुभव आप तभी कर सकते हैं जब उंगली कटेंगे। और जो लोग अपने जीवन में कई कड़वे अनुभवों से गुजर चुके हैं, दूसरे अनुभवों से भी गुजर चुके हैं, उन्हें मेरी बात बिल्कुल क्लियर अनुभव वो कर पा रहे होंगे। तो आप में से सभी को ये मेरी बात समझ में तो आ रही है, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग फ्यूचर में ये गलतियाँ करके अनुभव करेंगे, ये बात भी सच है। तो चलिए, आज्ञा दीजिए, फेक इट को कब तक करना है और कब से नहीं करना है हम अच्छे से समझ चुके हैं। आने वाले समय में और अच्छी बातों को सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते अजी।